बिग बॉस सीजन 14 के घर में बिग बॉस सीजन 13 के दो कंटेस्टेंट मौजूद हैं जो कि इजाज खान के लिए घर में आए हैं। आपको बता दें, देवोलीना भट्टाचार्य इजाज खान की प्रॉक्सी बनकर घर में मौजूद हैं और पारस छाबड़ा इजाज खान के कनेक्शन बनकर आए हैं जो कि देवोलीना के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको बता दें, जब से देवोलीना भट्टाचार्य पारस छाबड़ा से मिली हैं, तब से ही बिग बॉस सीजन 14 के घर में ऑडियंस को बिग बॉस 13 के किस्से सुनने को मिल रहे हैं। एक बार फिर से राहुल वैद्य ने पूछ लिया पारस छाबड़ा से कि क्या आसिम रियाज के जीतने के चांसेस थे, तो इस पर पारस छाबड़ा ने जो कहा वो सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस को काफी पसंद आया, क्योंकि इससे ये साबित होता है कि सिद्धार्थ शुक्ला ही बिग बॉस सीजन 13 के असली विनर थे। दरअसल पारस छाबड़ा ने कहा कि आसिम रियाज के जीतने के चांसेस नहीं थे, क्योंकि आसिम रियाज को संपत्ति तब मिली थी जब मैंने उसे लेकर काफी ज्यादा नेगेटिव बातें कर दी थी। उसकी वजह से उसे 2-3 हफ्ते तक फैंस का काफी ज्यादा सपोर्ट मिला और इसी वजह से आसिम रियाज इतना ज्यादा फेमस हो गया। आपको बताते चले, बिग बॉस सीजन 13 के दौरान एक बार जब आसिम रियाज और पारस छाबड़ा का झगड़ा हुआ था, तो पारस छाबड़ा ने बहुत सी बातें कही थी आसिम रियाज को, जैसे कि मेरे पास बंगले हैं और मैं बहुत महंगे परफ्यूम लगाता हूं, तेरे पास क्या है। पारस छाबड़ा की इन नेगेटिव बातों को सुनकर ऑडियंस को काफी ज्यादा बुरा लगा आसिम रियाज के लिए और उन्होंने आसिम रियाज को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद आसिम रियाज फिनाले तक पहुंच गए। ऐसा हमारा नहीं बल्कि खुद पारस छाबड़ा का कहना है, बिग बॉस सीजन 14 के घर में सभी घर वालों के सामने कहते नजर आए हैं पारस छाबड़ा। वेल, आपको क्या लगता है पारस छाबड़ा की इन बातों में कितना दम है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अर्पण न्यूज को, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।